पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म प्रस्तुत करते हैं विदर्भ टॉप 10 खबरें। 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड समारोह सोमवार को होगा। इस बार यह अवार्ड अभिनेता रजनीकांत को दिया जाएगा। रजनीकांत को 2019 के लिए फाल्के अवार्ड की घोषणा इसी साल अप्रैल में की गई थी। कोरोना महामारी के कारण इस अवार्ड की घोषणा पिछले साल स्थगित कर दी गई थी। नागपुर मनपा के कुछ पदाधिकारी और ठेकेदार पर आरोप है कि जलापूर्ति योजना की आड़ में मनपा के 92 करोड़ रुपए का दुरुपयोग हुआ है। यह आरोप पूर्व पार्षद संदीप जोशी, नंदा जिचकर, दीपराज पार्डीकर, वीरेंद्र कुकरेजा, विजय झलके आदि पर है। यह शिकायत राकापा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद वेद प्रकाश आर्य ने सदर थाने और जोन क्रमांक 2 की उपायुक्त विनीता साहू से की है। चंद्रपुर के ग्राम क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए खनिज विकास निधि अंतर्गत हाल ही में चंद्रपुर जिले के 83 गांव में आरओ वाटर एटीएम प्लांट लगाने की प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है। यह योजना जल्द ही जिले के 11 तहसील के 83 गांव में लागू की जाएगी। एनडी बेकर्स फ्रेश एंड डिलीशियस केक्स, चीज केक्स, डिजर्ट्स, पेस्ट्रीज, ब्राउनी, पफ ब्रेड्स, कुकीज, खारी एंड डोनट्स, होम डिलीवरी अवेलेबल। लव डायबेक्स एनडी बेकर्स फ्रेशली बेक्ड, केयर ऑफ द एनडी होटल, नागपुर रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 7744844446। नागपुर के नगर सेवक संदीप गवई के घर से तिजोरी चोरी हो जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शिकायत गिट्टी खदान थाने में की गई। करीब 70 किलो की तिजोरी को चोरों ने उनके बंगले के अंदर के कमरे से बाहर कैसे लेकर गए, इस बारे में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। भंडारा के ग्रामीण भागों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अंतर्गत कार्यरत एम्बुलेंस चालकों ने अपना अनशन सांसद सुनील मेंढे के आश्वासन मिलने के बाद वापस ले लिया। एम्बुलेंस चालकों ने बकाया वेतन और अन्य मांगों को लेकर जिला परिषद के सामने अनशन आंदोलन शुरू किया था। सांसद सुनील मेंढे ने मध्यस्थता कर उन्हें 5 दिनों में वेतन और उनकी अन्य सभी मांगे हल करने के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया। दिनांक 24 अक्टूबर को वनी शहर के जत्रा मैदान परिसर के रेड लाइट एरिया प्रेम नगर बस्ती में मुकुटवन के थानेदार अनिल जाधव के मार्गदर्शन में उनके दस्ते ने तथा सेवाभावी संस्था नागपुर और स्थानीय पुलिस की मदद से छापा मारा गया, जिसमें एक युवती की रिहाई की गई तथा देह व्यापार करने वाली महिलाओं को हिरासत में लिया गया। युवक कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी के लिए चुनाव की हलचल शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए शहर से 3 दावेदारों के नाम प्रमुखता से सामने आए हैं। इन नामों में कुणाल राउत, शिवानी वरेट्टीवार, तनवीर विद्रोही शामिल है। चुनाव लड़ने के इच्छुकों ने विधि गुटों के नेताओं व पदाधिकारियों से संपर्क भी बढ़ाया है। 26 अक्टूबर को कांग्रेस के मुंबई स्थित तिलक भवन में प्रदेश कार्यकारिणी के इच्छुक दावेदारों की बैठक है। नागपुर के सुप्रसिद्ध अलजमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अलजमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलिशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अलजमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552271186, 9322899635। रविवार को चंद्रपुर के मध्यवर्ती सहकारी बैंक के कन्नमवार सभागृह में अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से प्राथमिक शिक्षक और विशेष शिक्षक का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में पदवीधर आमदार अभिजीत वंजारी ने सबकी समस्या सुनकर उसे हल करने का आश्वासन दिया। चंद्रपुर शहर में रविवार को करवा चौथ व्रत पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। सहानी परिवार समाज की महिलाओं संघ पिछले 31 वर्षों से यह पर्व उत्सव से मना रही है। वही करवा चौथ व्रत इस मौके पर सुहागिन महिलाओं ने व्रत रखा और 16 श्रृंगार कर पूजा अर्चना की। इस दौरान महिलाओं ने पूजा और कथा पाठ किया।
टॉप ऑर्डर और लोअर ऑर्डर की नाकामी और फ्लॉप गेंदबाजी की वजह से टीम इंडिया को यूएई और ओमान में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप में रविवार को चीर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी। टीम की यह वनडे और टी20 फॉर्मेट में मिलाकर वर्ल्ड कप इतिहास की पहली हार थी। इसके साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 29 सालों से चला आ रहा विजय अभियान भी थम गया।